हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो हमने डाली थी इत्मादुद्दौला की, एंड इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से मैंने 9000 में पूरा राजस्थान का टूर किया था, आज से करीब एक साल पहले किया था। लेकिन उसके बारे में मैंने अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर शेयर नहीं की है, यानी कि मेरा कहाँ पर कितना बजट आया था। और जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने केवल ओवरऑल बता दिया था कि ओवरऑल टूर पर मेरा 9000 का बजट आया था, लेकिन मैंने सिटी बाय सिटी सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की थी। तो आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भी अपना प्लान कर रहे हैं जयपुर जाने की, यानी सबसे पहले हम लेके चलेंगे जयपुर, उसके बाद हम अपना अजमेर एंड जोधपुर एंड जैसलमेर एंड उदयपुर, एंड उसके बाद हम लेके चलेंगे मथुरा, क्योंकि मथुरा जो है हमारे एक पास में ही है, एंड आगरा का भी मैं आपको बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आप आना चाहते हैं, जयपुर आने की सोच रहे हैं, तो जयपुर किस तरीके से आ सकते हैं, क्या क्या आपके बजट रहने वाला है, क्या क्या चीज़ों में आपके खर्चे होने वाले हैं। जो मेन हमारे खर्चे रहते हैं मोस्टली वो रहता है हमारा ट्रैवल, यानी कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन के बाद दूसरी कॉस्ट रहती है हमारी अकोमोडेशन, यानी कहाँ पर हम स्टे करेंगे, तीसरी रहती है हमारी फूड की। तो वो सब चीज़ों के बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन पहले तो वो बैकग्राउंड देखो हमारा पीछे का, और ये बैकग्राउंड देख के पता चल रहा होगा मैं कहाँ पर हूँ। अभी मैं हूँ अपने गाँव में ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि घर पर बैठे बैठे उस तरीके से अपने स्टूडियो में बैठ के मैं वीडियो बना रहा था, मैं बोर हो गया था और नेचुरल लाइट थोड़ी मिल नहीं रही थी मुझे, तो मैंने सोचा चलो गांव आ जाते हैं और फिर आराम से वीडियो शूट करते हैं बैठ के। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को और बताता हूँ आपको किस तरीके जा सकते हैं। तो हम जो अपना केंद्र मान के चलेंगे ना, वो मान के चलेंगे दिल्ली। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से आने के लिए सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। कई कनेक्टेड आपको ट्रेन्स मिल जाएंगी, बस मिल जाएंगी, दिल्ली से आप आ सकते हैं, यानी कि किसी भी शहर से आप जयपुर आ सकते हैं। ठीक है, वो जयपुर जंक्शन जो है रेलवे स्टेशन है, आप कहीं से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में ट्रेन जो है जयपुर आती है। और दूसरा है आपका बस के थ्रू आप आ सकते हैं। बस का जो आपका खर्चा रहने वाला है वो बस का आएगा आपको, अगर दिल्ली से आते हैं तो 300 से 350 आपको वैसे बस में आएगा। तो जैसे ही आप जयपुर पहुंच जाते हैं तो जयपुर में आके सबसे पहला चीज़ रहता है आपका कि आप कहाँ कहाँ घूमने जाएँ। ठीक है, जो जयपुर रेलवे स्टेशन है वो पिंक सिटी में नहीं है, क्योंकि पिंक सिटी से वो करीब करीब आपका 4.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जो जयपुर है वो पूरा पिंक सिटी नहीं है, लेकिन जो जयपुर को पूरा लोग मानते हैं, कि जैसे मैं सोच रहा था कि जयपुर पूरा ही पिंक सिटी है, यानी पूरा ही जो है सभी जो घर हैं वो सभी चीज़ें पिंक सिटी में हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पिंक सिटी जो है एक वॉल सिटी है, जो राजा सवाई सिंह ने बसाई थी वही पिंक सिटी है, वो वॉल के अंदर है, वो वॉल सिटी है, उसके 7 द्वार हैं। तो वो जो है वो रेलवे स्टेशन से करीब 7 किलोमीटर, वो करीब 4.5 किलोमीटर दूरी पर पड़ती है। अगर आपको वहाँ तक पहुँचना ना, तो आप मेट्रो ले सकते हैं या फिर ऑटो ले सकते हैं, किसी भी थ्रू आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपका जो है आप होटल ले सकते हैं। होटल का जो खर्चा आता है जयपुर में, वो जो आपको एवरेज होटल मिल जाएगा वो करीब मिल जाएगा 500 से लेकर 700 के बीच में आपको एक एवरेज होटल मिल जाएगा। बाकी आपके बजट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप 500 वाले में रुकेंगे या 700 वाले में रुकेंगे, लेकिन जो एवरेज है वो 500 से स्टार्ट होकर आपका जो है होटल मिल जाता है। अकोमोडेशन में आपका हो गया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने दिन यहाँ पर स्टे करेंगे। अगर आप 2 दिन स्टे करेंगे तो आपका 1000 रुपये का हो जाएगा। और पिंक सिटी के अंदर ही सारी चीज़ें हैं, हवा महल भी पिंक सिटी के अंदर है, और जयपुर का जो जंतर मंतर है वो भी पिंक सिटी के अंदर आता है। जो आगरा रहता है आमेर फोर्ट, वो भी उससे करीब 5.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, एंड उसके बाद जयगढ़ फोर्ट, और ये सब चीज़ें आसपास ही स्थित है। तो पिंक सिटी में अगर आप अपना होटल लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका अकोमोडेशन का। अब बात करते हैं फूड की, अगर आप जयपुर जा रहे हैं तो आपका फूड का कितना खर्चा आने वाला है जयपुर के अंदर। देखिए, जयपुर में जो है खाना, हमारे इंडिया में ही खाना पूरा जो है काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। अगर मैं खाने की कॉस्ट की बात करूँ तो खाने की कॉस्ट जो आपको पर डे के हिसाब से पड़ेगी वो पड़ेगी करीब आपको, अगर आप नॉर्मल खाना लेते हैं तो 120 रुपये के हिसाब से थाली आपको मिल जाएगी, एंड 120 का आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से 48, यानी कि करीब 400 रुपये पर डे के हिसाब से अगर अच्छा खाना खाना है तो, आपको मैं वो बता रहा हूँ, अगर आप दिन में 3 बार खाते हैं तो ये आपका खाने का रहने वाला है। तो मैंने आपको जयपुर आने के लिए सारी चीज़ें बता दी हैं, जैसे कि आप कोई भी ट्रेन ले सकते हैं या बस के थ्रू आप जयपुर आ सकते हैं, एंड आपका ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ने वाला, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सस्ता है, यानी कि आपको 20 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से आपको वहाँ तक छोड़ देगा, यानी रेलवे स्टेशन से आपको पिंक सिटी तक छोड़ देगा कोई भी ऑटो वाला। आप मेट्रो लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। ओके, इसके बाद फूड का भी मैंने आपको बता दिया, फूड का जो है आपका नॉर्मल कॉस्ट एवरेज पर डे के हिसाब से आप 300 रुपये पर डे के हिसाब से लेके चलें, एंड अकोमोडेशन का भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब बात करते हैं प्लेसेस टू विजिट, अगर आप जयपुर में आ रहे हैं तो कौन कौन सी जगह आपको वहाँ पर देखनी चाहिए। देखिए, अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी जगह चाहिए
मिल जाएंगी। इसके बारे में मैंने भी एक वीडियो बनाई थी आज से करीब एक साल पहले, जिसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर मैं प्रैक्टिकली बता के चलूं, यानी कि अगर आप दो दिन का प्लान करते हैं जयपुर का, तो आपका कौन कौन सी जगह आपको देखनी चाहिए। पहला है आपका हवा महल। हवा महल आप देख सकते हैं, जो कि एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन, जो कि एक आइकॉनिक प्लेस है जयपुर का। उसके बाद आता है, हवा महल के पास ही स्थित है सिटी प्लेस, और उसी के पास स्थित है जंतर मंतर, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। एक दिन के अंदर ही आपके हो जाएगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, इंडियन स्टूडेंट हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको ये जो सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसके लिए आप जंतर मंतर या फिर सिटी पैलेस के बाहर से ही एक कम्बाइन टिकट जरूर ले लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि आपका कम्बाइन टिकट में सारी टिकट मिल जाती हैं, और ये जो टिकट रहती है वो दो दिन के लिए वैलिड रहती है, यानी कि ऑल ओवर जितनी भी जयपुर की टूरिस्ट प्लेस हैं आप उसी टिकट में पूरा घूम लेंगे, और काफ़ी सस्ता टिकट ही पड़ता है आपको कम्बाइन टिकट। कहता है आपका कम्बाइन टिकट जो पड़ेगा आपका, वो पड़ेगा आपका 400 रुपये का कम्बाइन टिकट रहेगा। अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हैं तो 100 रुपये का आपका कम्बाइन टिकट रहेगा। इसमें आप क्या क्या कवर कर पाएंगे, इस कम्बाइन टिकट में आप हवा महल कवर कर पाएंगे, जंतर मंतर, सिटी प्लेस, और सिटी प्लेस के अंदर म्यूजियम का टिकट वो अलग है, लेकिन सिटी प्लेस के आप वहाँ जा सकते हैं, जो बाहर से एंट्री होती है उसका आप विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगला जो टूरिस्ट प्लेस है जयपुर में देखने लायक अच्छी जगह है, वो है आपका आमेर फोर्ट भी आपका जो कम्बाइन टिकट है उसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद आप जा सकते हैं नाहरगढ़ फोर्ट, जो कि जयपुर में ही स्थित है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। उसके बाद है आपका जैगर फोर्ट जो है एक उस पर स्थित है, जैगर जो फोर्ट है वो पहाड़ी पर स्थित है, तो वहाँ के लिए भी एक यही टिकट आपकी काम कर जाएगी। अगर आपको उसमें म्यूजियम विजिट करना है तो म्यूजियम में जो है आप अलग से टिकट आपको लेना पड़ेगा, जो कि जैगर फोर्ट के पास से ही मिल जाता है। ठीक है, तो ये था आपका जयपुर। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप क्या क्या आइटनरी रखनी चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप सोच रहे हैं कि कितने दिन का जयपुर आपको प्लान करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा जयपुर का जो आप प्लान करें कम से कम दो दिन का प्लान करें। दो दिन में जो है आप पूरा जयपुर कवर कर लेंगे, जिसमें आप क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, पहला आप आमेर फोर्ट, उसके बाद हवा महल, उसके बाद आप जंतर मंतर, सिटी प्लेस एंड जल महल, जो कि उसके आमेर फोर्ट के रास्ते में ही पड़ता है। जल महल के बाद आप कवर कर सकते हैं इसमें जो है पत्रिका गेट, ये जवाहर सर्कल में स्थित एक गेट है, जिसे कि वहाँ की पत्रिका संपादक द्वारा बनवाया गया था, यानी कि अखबार की जो एजेंसी होती है उसके द्वारा बनवाया गया था पत्रिका गेट, जो कि काफ़ी आइकॉनिक जगह है। इसके अलावा आप कवर करेंगे वहाँ पर जयगढ़ फोर्ट एंड नाहरगढ़ फोर्ट। ये सारी चीज़ें आप जो है 6 से 7 जगह यानी टॉप डेस्टिनेशन आप जयपुर की कवर कर लेंगे। इसके अलावा जो है अगर आप जयपुर खाली जा रहे हैं, तो जयपुर में जाके एक चीज़ जरूर ट्राई कीजिएगा, वो है दाल बाटी। और दाल बाटी मतलब गोल गोल से होते हैं, ये मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इस तरीके से होता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये राजस्थान का एक आइकॉनिक और एक लोकल फूड है, और काफ़ी टेस्टी होता है, अरहर की दाल के साथ में बनता है बाटी जैसा, और खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। और अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 150 रुपये हिसाब से आपको मिल जाएगा, 150 रुपये में आपको 2 बाटी दी जाएंगी, एंड उसी में ही जो है आपका पेट आराम से भर जाएगा। और अभी के टाइम पर जो है जयपुर का, क्योंकि सीज़न है जयपुर का जो, यानी राजस्थान का जो सीज़न रहता है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इसी टाइम पर ही राजस्थान का सीज़न रहता है घूमने लायक, यही टूरिस्ट का पीक सीज़न रहता है। ओके, तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट कर दीजिए और बताइए कि आप जयपुर कब जा रहे हैं, कब प्लान कर रहे हैं अपना जयपुर। एंड हमारे व्लॉग्स आने वाले हैं, इस चैनल पर हम व्लॉग भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है निशांत पचौरी, यानी यू आर वॉचिंग ट्रैवलिंग विद पचौरी। वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो, निशांत पचौरी मेरी आईडी है, लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में मैंने। इवन जो है मैंने अपने प्रोडक्ट्स की भी लिंक डाली हुई है, एफिलिएट लिंक, जिससे जो इस चैनल को सपोर्ट हो पाएगी एंड हम जो है और कॉन्टेंट इस चैनल पर जो है प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। गारंटी 1 मिलियन।